तब्बो, बहुत दिनों से हमारी टांगों पे तेल नहीं लगा है, आज रात लगा देना। तेरी गाड़ पे तेल ना लगा दूं? अब सी साला झाड़ू लगा दे। चल क्यों बे नालायक हो, कहाँ हो दोनों? अबे मनोसो, अब तक सो रहे हो? कोई काम धंधा ढूंढ लो। पता भी कितनी मेहनत करके कमाता हूँ मैं पैसा। मतलब तुम्हारी माँ कितनी मेहनत से कमाती है फैक्ट्री जा जा के पैसा। चलो बाबू जी छोड़ो, बच्चा है, सीख जा, क्या डांट रहे हो? अबे तो झांटू, इससे कह कब रही हूँ, तुझसे कह रही हूँ, तू बड़ा है इससे 3 साल। अबे कुछ कर ले। हाँ कर लेंगे, कमा लेंगे पैसा, वो तुमसे ज्यादा कमा लेंगे। और हाँ, तेरी बहू मेरे बारे में कुछ कहे तो झूठ समझियो, वरना घर से निकाल दिए जाओगे। और तुम पहलवान जाओ, कुछ कर लो, जाओ टलो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम कुरेश भाई को। वालेकुम सलाम। कौन? अरे कौन को छोड़ो कुरेश भाई यार, गाड़ी बिकवा दूं? बिल्कुल साहब, बिकवाओ, बेचने के लिए बैठे हैं। हमें क्या मिलेगा? ओ दलाल है, अल्लाह बेहतर जाने कुरेश भाई। चलता चल, एक गाड़ी बिकवा का 500 रुपए दूंगा। आज झाट दलाली नवारता हूँ मैं, इतने रुपए मैं बिकवाऊंगा। तो कितने लेगा कुरेश भाई? गाड़ी एक ना बिकवाऊंगा, दो ना बिकवाऊंगा, गाड़ी बिकवाऊंगा 3, लेकिन रुपए 1500 लूंगा पूरे। चल हाँ हाँ दिए, 1500 दिए पूरे। ओ और अगर कुरेश भाई गाड़ी भी बिकवा दूं 4, तो 2000 पूरे, पूरे 2000 दूंगा। लाओ। क्या 2000 रुपए? अबे भैया गाड़ी तो बिकवा पहले। उसे बेबी कर रहा हो, कुरेश भाई कह दी ना तुम्हारे भाई ने, बिकवाऊंगा जाओ, 2000 रुपए दो तुम। जा चला जा भोसड़ी के, जा चला जा सीधा। ना कुरेश भाई ऐसे ही हूँ, कसम से बहुत बड़ा जलील हूँ, बिकवा दूंगा तुम्हारी 5 बिकवा दूं, बताओ 2500 रुपए दे दो। लाओ कुरेश भाई, नाराज क्यों हो रहा कुरेश भाई? छह बिकवा दूंगा, चलो बिकवा दूंगा मैं आ सकते हैं। साला भी बोले जाबे। पागल मजनू दीवाना, हमारा लोंडा झाटू भोसड़ी का, मेरी नहीं औलाद को उल्टा बोल लो। अबे गाली तुम दोनों भाइयों पे तो लट टूटने चाहिए। जाओ बाहर का गेट गंदा हो रहा है, उसे साफ कर दो। वो भी क्या वक्त था जब हम बड़े गरीब थे यार। अच्छी है भाई, अब तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए फैक्ट्री खोल के दे दी होंगी। ना ना, गरीब तो खैर अब भी है अल्लाह के शुक्र से, लेकिन बाबूजी यहाँ कैसे? बाबूजी वाह बेटे वाह, ले दे के गांव के 2-3 घरों में तो इज्जत है, वो भी तो सिगरेटों में पी पी के उड़ा दे, माधर चोर। ना बाबूजी सिगरेट नहीं पी रही हूं। साले मुंह में फलां दे। बाबूजी इधर को, तू भी तो आ यार। बाबूजी तुम्हें पता कुछ जो बोलते रहो, तुम बीच में खामोखा बात करते रहो, ये पता है कौन है? रमेश अंकल का लोंडा आई। ओ पर रमेश बहन का जो बहुत मालदार हो रहा। हाँ उससे पता हम कितने चले हैं, फिर भी कुछ ना हो रहा। साले के लोंडे को बिगाड़ दो, गंजाड़ी बना दूंगा, नशाड़ी बना दूंगा, कदम से करी हूँ इसे फूंक दूंगा, फूंक हथियार भी काम ना करेगा इसका। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, तू मेरा ही खून है, कर दे इसके बाप को बर्बाद तू। कर दूंगा बाबूजी, तुम जाओ। 20 रुपए पड़े क्या बाबूजी? ना है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं पापा? पापा तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं नाक से धुआं छोड़ो जब मानूं। भैया आप यहाँ खड़े हो, वह पापा मुझे लाना तो लाना दे रहे हैं। अबे टेंशन मत ले बाबूजी, यहीं से गए अभी, मेरी बात हो गई है, तेरा बड़ा भाई जिंदा अभी। तुम मर जाओ, कम से कम बिरयानी तो खा लेंगे, तो चटनी तो रोटी खा रहे हैं। वाह देख रहे हो इसकी, मतलब बड़े भाई के लिए ये इज्जत है तेरे दिल में, मारेगा बड़े भाई को बिरयानी के चक्कर में। और ये जेब में क्या है? 100 का नोट है। चल जाए, अरे चलो छोड़ो बच्चे ये, आ जा खड़ो जा यार, तुम हमारे पापा को कार दिलवाओ। हम कार से दिलवा देंगे। दिलवा दूंगा तुम्हें कार, लेकिन पैसों की हैटेक तुम्हारी होगी, गाड़ी A1 कंडीशन, नई नवेली दुल्हनिया। अरे पैसों की चिंता मत करो, हमारे बाप के पास बहुत पैसा। हाँ ये बात तो है, बहन करोड़ा बहुत कमा रही है दलाली, मतलब मेहनत से कमा रहे हैं तुम्हारे पापा। आओ दिखवाऊ गाड़ी, आओ अबे आओ। गाड़ी तो मेरे ख्याल से फेल करेंगे नहीं, क्योंकि कंडीशन बहुत साफ है ना ये गाड़ी। आ गई पसंद, देख बोल भी ना पा रहे है ना, है गाड़ी ये भाई सब कार है या कबाड़ा? ना
गाड़ी एवन कंडीशन है, बस कलर की दिक्कत है इसमें। कलर होते ही गाड़ी आओ दिखवा दूं, इसकी गुड कंडीशन देख लो। आओ भाई साहब, इसमें तो इंजन ही ना है। अरे तो उसकी टेंशन मत लो, जहाँ से तुम इसमें कलर कराओगे उसके बराबर में ही दुकान है इंजन वाले की, वहाँ इंजन रखवा लियो। बाकी गाड़ी A1 है, लाओ पैसे दे दो, पसंद आ गई हो तो। रुक जाओ यार भैया, यार गाड़ी तो देखने दे। यार भाई साहब इसका ये तो टूट गया। अरे तो इसकी भी दिक्कत मत लो, जैसे तुम इंजन लगवाने जाओगे उसके बराबर वाली दुकान डेंटिंग पेंटिंग की है, वहां पे लग जाएगा नया बिल्कुल। गाड़ी पसंद आ गई तो लाओ पैसे भी दे दो। अबे लड़की चोद देखने तो दे। ओके, नाराज होने वाली बात कोई नहीं है, देखो खेल लगा रहे हो कोई भी भाई साहब, देख लो। यार भाई साहब मुझे गाड़ी अच्छी ना लग रही। यार कैसी बात कर रहे हो यार भाई साहब, यार बिल्कुल गुड कंडीशन, फोर विंडो वाली है यार, देख रही पहलवान। रुक जाओ। अरे भाई साहब यहाँ कोई आ रहा, ये गाड़ी देखते होती हो रही ना कैसी है। गाड़ी गाड़ी कहाँ भाई साहब, ये तो कबाड़ा है। अरे बहन गोले कौन है ये मार पहलवान घुसा मार साले में। अरे गाड़ी इधर के लिए साले को, तुम गाड़ी देखो भाई साहब। वैसे भाई साहब मांग कितने रहे हो इसके। 50,000। बस 50,000? बस कह रिया भाई साहब 50,000 तो गाड़ी की रजिस्ट्री के जाएंगे, और गाड़ी पड़ेगी 3.5 लाख रुपए की A1 कंडीशन। भाई साहब इसका तो टायर भी निकल गया। अबे पहलवान इसका टायर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम वहां को जाओगे डेंटिंग पेंटिंग कराने उसके आगे वाली दुकान टायर की है, वहां टायर डल जाएगा। सालो दोनों भैया मिलके मेरे चूतिया बना रहे हो, इतनी कबाड़ा गाड़ी है, एक नंबर की भाईजात गाड़ी, और मुझे भी आने फिर रहे हो, मैं ले ही ना लिया गाड़ी। ओह शिट, ओह शिट। अबे तुम भी यार भाई साहब 10,000 रुपए की गाड़ी के 3 लाख रुपए ले रहे हो। ला तू ले ले 25,000 रुपए की, दे दूं। मैं क्यों लूंगा, ले ले बता ले बस। हां मेरे पास तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली। हां भाई कुछ हुआ इतने दिनों में तुमसे। बाबूजी चलो यार, क्या डांट रहे हो, बच्चा है कर लेगा बाबूजी, कर लेगा। अबे हाथी के कद्दू, इससे क्या कह रही हूँ, तुझसे कह रही हूँ, उस दिन भी गया था आज भी कह रही हूँ, इसे तो तू छोड़ दे, ये तो तुझसे 3 साल छोटा, तू बड़ा है, तू कमा पैसे। ये यार बाबूजी ये कौन सी बात है तुम्हारी, पैसे कमाने में ये छोटा हो जा, उस दिन हम समीम की लड़ी गाल मार रहे, तो ये सबसे पहले आ रही है। बाबू जी मैं तो पहलवान हूँ, पहलवानी करूँ। हाँ पता मुझे तू कौन सी पहलवानी कर रहे है, और हाँ आज मैं तुझे सेठ के पास लेके जाऊंगा तेरी नौकरी पक्की करने के लिए, 8-10 लोंडो को तो मान ले तू। हाँ बाबू जी 8-10 को तो मान लूंगा, लेकिन कभी कभी तुम्हें पता ही है। हाँ वो मुझे पता, सेठ के पास बस अपना आपको तू धागल पहलवान बताइए, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। चला सेठ जी नमस्कार। हाँ चल हाथ पीछे कर, सेठ देगा ना, हाथ मिलाने आ जा। और बता आज भी खाने खराब ही है, कुछ कर लिया जिंदगी में अपनी। ना खैर आज भी खाने खराब ही है। हाँ बता कैसे आना हुआ। मैं कह रही हूँ सेठ जी, ये जो तुम पे इतनी धन दौलत है, तुम ये 8-10 लोंडे रख रखे और इन्हें बेफजूल के पैसे देते हो तुम, इससे बढ़िया मेरा लोंडा रख लो। ऐसा क्या है साथी कद्दू में जो इसे मैं रख लूँ। सेठ जी लड़का हमारा MBBS है। अरे सेठ जी ये तुम्हारा चूतिया बना रहे, ये पढ़ा लिखा है ना, MBBS कैसे बन जाएगा। मतलब सेठ जी अब MBBS भी पढ़े लिखे ही बनेंगे क्या, हम जैसे अनपढ़ बनने के। कौन चूतिया पाल लगा ऐसे कुछ पता ही ना। क्या मुंशी जी तुम्हें लंड पकड़ने की तमीज ना, आड़ों की कोलियां भर रहो। हाँ तो तू बता तेरे लोंडे में क्या खूबी है। सेठ जी लोंडा हमारा पहलवान है, 8-8 को अकेला मारता है। 8-8 को कुछ करतब करके दिखाइए भाई। रख लिया तेरे लोंडे को आज से, तेरे लोंडे की तनख्वाह होगी 5,000 रुपए। ओए मुंशी जी सारे चेले चपाटों को भगा दो आज से। सेठ जी मैं कह रहा हूँ वो 5,000 रुपए अभी दे देते। चल बे कटुए महीना तो अंधे, चल निकल हट, फिर गरीब 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 हट।
अबे यार कादिर भैया, पहलवान की हमारे बाबूजी ने नौकरी लगवा दी 5,000 रुपए महीना पे। साला पढ़ा लिखा भी ना, फिर भी लगवा दी। हम 8वीं पास है, कोई ना पूछ रही हमें यार। ए, लग जाएगी यार तेरी भी, पता ना कब लगेगी यार। अच्छा दिल्ली के स्पेलिंग बता। पोपट कर दिया। डी दिल्ली की स्पेलिंग बताओ। होसड़ी के 8वीं पास है भाई, दिल्ली की स्पेलिंग आती ना तुझसे? सुतरी के तुझसे भी तो ना आती, तू तो 12वीं पास है पूरी। हमें कह रही है किसी जिक्र मत करिए। डाकू मंगल सिंह तू यहाँ? तू तो जंगलों में रहता है ना। अबे हाथी के कद्दू, तू कौन से दिल्ली रोड पकड़ा है? तू भी तो जंगल में ही है। और आज तुझे हम लूटेंगे। लूट ही नहीं सकता है क्योंकि मेरे साथ पहलवान है। तुम तो वैसे भी तीनों, ये अकेला 8 पे भारी है। चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दे वरना यही मारे जाओगे। ओ अच्छा, ये मारेगा मुझे डाकू मंगल सिंह को? बैचिन के लिए का सेट का। अबे पजामा छोड़, अबे नीचे कुछ ना पहना, छोड़ बैग ला चुपचाप। पहलवान बेटे क्या कर रहे हो? मारो 2.5 लाख का माल लगा, पूरे मजाक मत करो। सेठ आज मैं कुछ नहीं कर सकता, आज सब तुम्हें ही करना पड़ेगा, आज मैं गंडी आ गया। बेटे मजाक मत करे, पूरे 2.5 लाख का माल है मेरा, मार के आए ना अभी। सेठ मैं गंडी आ गया, मुझसे ना हो पागा। यार ये मजाक का टाइम ना यार, देख पहले। एक मिनट, सेठ तो इसे बहुत खतरनाक पहलवान बता रहा था, अकेला 8 को भारी था ये तो, हमें तो कुछ कही ना इसने। आओ साले की पैंट उतारते और गाल पे थूकते हैं, निकालते इसकी सारी पहलवान। अरे पहलवान तेरी, साला आज पहलवान ही निकालते, जस साले की पैंट उतार का। तू बहुत गलत कर रहा है। अबे गलत छोड़, तेरे गुस्से की ऐसी रेंदे। छुटा लिया ना तुम्हारा माल सेठ जी। ये पकड़ भैया अपने एक दिन की तनखा, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू, कल से नौकरी पे मत आना। क्यों सेठ जी, इन गुंडों से तुम्हारा माल छुटा लिया इसलिए मुझे नौकरी से निकाल लो। माल छुटा लिया वो तो भला हो इन गुंडे भाई का, जो तेरी गांड पे थूकने आ गए, वरना मेरे 2.5 लाख का माल तो गया था। सेठ जी प्लीज, सेठ जी ना भैया काम करो, सेठ जी प्लीज, सेठ जी। अबे सालम नलायक को तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता, और इसे पहलवान को मैंने उसे सेठ के पास लगाया, इससे 3 आदमी ना पीटे गंडी आ गया ये। भाऊजी मारे तो थे। अबे मुंह चोरी कर रिया माधर चौथ, और एक ये पड़ा वाला आएगा साला तलाली मारता फिर रिया, कुछ कर धर न रिया। अबे चले जाओ तुम, मेरी औलाद ही ना हो सकते भाग, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। यार मुझे लगता है मैंने अपनी औलाद को ज्यादा ही डांट दिया दिखे, कहीं वो मेरी बात को दिल पे लेके कोई गलत कदम ना उठा ले। ऐसी देखियो मुझे अपने लोंडो की बहुत फिक्र हो रही है, तुमने जवान लोंडो को घर से बाहर निकाल दिया, पहलवान तो बहुत आरामी भी है, वो बड़ा वाला तो बेचारा बहुत सीधा, उसकी बहू देखियो कितना रो रही है, कुछ कर लो ना उन्हें, लिया वापस। हाँ तू सही कह रही है, मेरे लोंडे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं देख के आता हूँ अपने लोंडो को। पहलवान मैं क्या सोच रहा हूँ, बाबूजी ने हमें घर से बाहर तो निकाल दिया। हाँ क्यों ना हम बाबूजी को मार दें, और जायदाद तो हम दोनों भाइयों के नाम होगी, 50-50 कर लेंगे। हाँ सही कह रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आजा बापू भाई।